हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं न्यू वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। कुछ फ्रेंड्स जो थे कमेंट करके बोल रहे थे कि सर, जो पैथोलॉजी वाले खून टेस्ट करते हैं उस टाइम पे जो वायल आते हैं, रेड, येलो, पर्पल, ग्रे, इस टाइप की जो वायल होती हैं, वो उनका क्या यूज़ होता है, तो उन्हीं के बारे में आज आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा मैं। फ्रेंड्स, वीडियो को आपको देखते रहना है। तो दोस्तों, मैं हूं फार्मासिस्ट आरिफ खान और आप देख रहे हैं आरिफ फार्मा क्लिनिक। जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो आप तक पहुंच जाए, इसलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जितनी भी ये वायल होती है उसमें होता है एंटीकोगुलेंट जो आपको दिखाई नहीं देता। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे रेड वायल की, रेड ट्यूब की। तो रेड ट्यूब का जो यूज़ किया जाता है दोस्तों, सीरम को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, होता क्या है, जब किसी पेशेंट का ब्लड की जांच करते हैं, मतलब खून ले लेते हैं, तो इस रेड ट्यूब में करने के बाद में एक सेंट्रीफ्यूजन मशीन आती है, जो आपने देखी होगी, गोल गोल घूमती है, उसमें इसको डाल देते हैं और उससे होता क्या है, जो RBC और WBC होती हैं वो नीचे जमा हो जाती हैं और सीरम जो होता है वो सेपरेट होकर ऊपर जमा हो जाता है और वो उसे हम ले लेते हैं। दोस्तों, कभी कभी जो होता है क्लोट एक्टिवेटर होता है, उसका भी यूज़ करते हैं, क्योंकि कभी टेस्ट सही से नहीं हो पाता है तो उसमें होता है कोलिन। कोलिन क्या करता है दोस्तों, जो सीरम होता है उसे सेपरेट करके जो सेल्स होती हैं वो नीचे जमा हो जाती हैं और सीरम ऊपर आ जाता है, जिससे हम उसे प्राप्त कर लेते हैं सीरम को। तो दोस्तों, ये था रेड वायल का यूज़। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे ग्रे ट्यूब की। दोस्तों, ग्रे ट्यूब का जो जनरली यूज होता है वो होता है शुगर की जाँच करने के लिए। दोस्तों, ग्रे ट्यूब में होता है पोटेशियम ऑक्सीलेट। पोटेशियम ऑक्सीलेट ग्लूकोलाइसिस इनहिबिटर होता है, मतलब कि यह है जो अगर आप ऐसे ही किसी को जो है सैंपल दे देंगे तो उसकी जो ग्लूकोज होती है, ग्लूकोलाइसिस होने का डर रहता है, मतलब ग्लूकोज टूटने का डर रहता है, जिससे जांच सही नहीं हो पाएगी। तो इसलिए पोटेशियम ऑक्सीलेट जो होता है वो ग्लूकोलाइसिस होने से बचाता है, यानी कि ग्लूकोज को टूटने से बचाता है, जिस और इसलिए इसका यूज किया जाता है ग्रे ट्यूब का। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे हैं पिंक ट्यूब की, कि पिंक ट्यूब जो होती है वो कहाँ पर यूज होती है। दोस्तों, पिंक ट्यूब का यूज खास जो है यूज है नहीं, फिर भी जो ब्लड ग्रुप या क्रॉस मैच के लिए जो है इसका यूज किया जाता है, किसी को ब्लड लेना हो, किसी का ब्लड लेना हो या किसी को ब्लड देना हो, तब क्रॉस मैच होता है तब इसका यूज किया जाता है दोस्तों। लेकिन कुछ लोग जो है EDTA का यूज कर लेते हैं, ठीक है, बट वो अलग है। तो पिंक कलर का जो यूज किया जाता है क्रॉस मैच या ब्लड ग्रुप के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं EDTA यानी कि पर्पल कलर की। पर्पल कलर की जो ट्यूब होती है उसे बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में EDTA, मतलब इथाइल डायमाइन टेट्रा एसिटेट। तो फ्रेंड, इसके अंदर होता है एंटीकोगुलेंट। जो वायल होती है इसके अंदर होता है एंटीकोगुलेंट, और एंटीकोगुलेंट जो होता है इसकी वॉल यानी कि दीवार जो होती है उन पर चिपका रहता है, जो आपको दिखाई नहीं देता है। इससे क्या होता है, एंटीकोगुलेंट जो होते हैं वो ब्लड को जमने नहीं देता। तो फ्रेंड्स, एक सवाल आता है कि EDTA का ही सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड्स, EDTA का यूज़ सबसे ज़्यादा इसलिए किया जाता है, इसके अंदर एंटीकोगुलेंट होता है जो ब्लड को क्लोट नहीं होने देता है, और जैसे कि CVC, HbA1c, RBC, WBC, प्लेटलेट, HV, इस तरह की जो ये जांचें होती हैं वो सब EDTA के ही द्वारा की जाती हैं, मतलब EDTA में ही इनका सैंपल लिया जाता है। और फ्रेंड्स, EDTA का यूज इलेक्ट्रोफोरोसिस जैसी जांच करने में भी किया जाता है, क्योंकि ब्लड को जमने नहीं देता। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने नोट भी किया होगा, नहीं किया तो आप देखना, जब पैथोलॉजी वाला ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड निकाल लेता है, कलेक्ट कर लेता है EDTA में, तो वो 180 डिग्री पे जो है उसको घुमाता है। तो फ्रेंड्स, क्यों घुमाता है, क्योंकि उसके अंदर होता है एंटीकोगुलेंट और वो ब्लड में अच्छे से उसको मिक्स करते हैं, 180 डिग्री के एंगल पर उसको घुमाना होता है, जिससे जो है ब्लड अच्छे से मिक्स हो जाता है, ताकि अगर ऐसे नहीं घुमाएंगे तो क्लोट होने के चांस रहते हैं, तो इसलिए 180 डिग्री के एंगल पर उसको घुमाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं येलो वायल, येलो ट्यूब की, इसे जेल ट्यूब भी बोलते हैं दोस्तों। बाकायदे आप जब कोई पैथोलॉजी वाला टेस्ट करे तब आप देखोगे इसमें जेल आराम से बिल्कुल बाकायदा आपको दिखेगा जेल। दोस्तों, ये भी जो है सीरम को सेपरेट करने के ही यूज में लाया जाता है, क्यों दोस्तों, जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया था रेड वाली जो ट्यूब होती है वैसे ही इसका यूज है, सीरम सेपरेट करने के काम में इसको लाया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर है, क्योंकि जो सेल्स होती हैं वो नीचे जमा हो जाती है और सीरम जो है ऊपर सेपरेट आराम से करके हम ले लेते हैं।
दोस्तों इसका यूज जो है बस यही है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं ब्लू वायल, ब्लू ट्यूब की, या इसे बोलते हैं सिट्रेट ट्यूब भी बोल देते हैं, क्योंकि ब्लू ट्यूब में ट्राई सोडियम सिट्रेट होता है, इसलिए इसे सिट्रेट ट्यूब भी बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं ब्लू वायल की, ब्लू वायल को सिट्रेट ट्यूब भी बोलते हैं। दोस्तों ये एंटी कोगुलेंट होता है, सिट्रेट ट्यूब इसलिए बोलते हैं, इसमें होता है ट्राई सोडियम सिट्रेट, इसलिए इसे सिट्रेट ट्यूब भी बोल देते हैं। फ्रेंड्स जब ब्लड सैंपल हम लेते हैं तो इससे प्रोथ्रम्बो टाइम की जो जानकारी मिल जाती है, प्रोथ्रम्बो टाइम मतलब की जो जांचें होती हैं INR, ESR और वारफेरिन जैसी जांचें जो हैं दोस्तों इससे ही की जाती हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो ये ब्लो वाली जो ट्यूब होती है ये पैथोलॉजी वाले को थोड़ी महंगी पड़ती है, क्योंकि इसमें ट्राइसोडियम सिट्रेट होता है, इसलिए थोड़ी महंगी पड़ती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो इसका रेशियो होता है ट्राइसोडियम सिट्रेट और ब्लड का जो रेशियो होता है 1:9 होता है, 1:1 मतलब 1 एंटीकोगुलेंट और 9 ब्लड। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे ग्रीन ट्यूब या हेपेराइन ट्यूब, तो दोस्तों इसमें होता है हेपेराइन, लिथियम और सोडियम। तो जाहिर सी बात है जब हम लिथियम की जांच करनी होती है तो लिथियम हेपेराइन हम यूज नहीं करेंगे, तब हमें सोडियम वाली यूज करनी होती है। और फ्रेंड जो हेपेराइन होता है वह प्रोसाइन के इंटेस्टाइन के म्यूकस से ले जाता है, और इसकी जाँच क्यूरोटाइपिंग और इलेक्ट्रोलाइट की जाँच के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ एनारोबिक बोटल्स भी होती है जिनका यूज ब्लड के कल्चर बनाने के लिए किया जाता है, और कुछ AVG सिरिंज होती हैं जिनका आर्टरी से ब्लड कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब कि आर्टरी से जो ब्लड निकालकर उसको इसमें सेव किया जाता है। तो दोस्तों ये होता है इसका पूरा फंडा, ये थी इसकी पूरी जानकारी। फ्रेंड्स अगर इसमें कुछ गलती होगी तो माफी चाहता हूँ, लेकिन इसकी पूरी ये जानकारी थी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी हर एक वीडियो आप